हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद सना। तो आज हम बनाने वाले हैं मसूर दाल और करेले की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और इसमें मसूर दाल ऐड करके इस तरह से बनाएंगे तो ये इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर करेले को इस तरह से काट लिया है और एक बाउल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसमें ऐड कर दें 2 चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई इसमें ऐड कर दें और इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए करेले। ये 5 से 6 करेले हैं, आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दें, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। इसे ढककर 5 मिनट तक, करेले थोड़ा सा नरम होने तक इसे पका लें। 5 मिनट बाद करेले थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मसूर की दाल। दाल हमें इसमें थोड़ी सी देर के बाद ही ऐड करनी है क्योंकि जल्दी से गल जाती है। दाल और करेलों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी ताकि दाल और करेले अच्छी तरह से गल जाएं। इसे ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लें। बीच बीच में चेक करते जाएं कि करेले नीचे से दाग ना लगें और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से दम पे पका लें और 2 मिनट तक इसे पका लेना है। 2 मिनट बाद अच्छी तरह से करेले अंदर तक गल चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर देते हैं प्लेट में। इनका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ईजी है, ये 5 से 10 मिनट में बनकर आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोग भी इस ईजी एंड टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बता दीजिएगा आपकी रेसिपी किस तरह की बन के तैयार हो गई थी। अगर आप लोगों को हमारी ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ाना देखनी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। आप इस रेसिपी को गेहूँ की रोटी, ज्वारी की रोटी या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही रोज़ाना एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।